इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डीएक्स, इनमें हम आई लिट यूज कर रहे हैं, आई लिट सॉल्यूशन ऑफ नंबर वन है नाउ लॉग एक्स डीएक्स। तो लॉग एक्स डीएक्स में खाली आपको आई लिट में जबकि दो फंक्शन होने चाहिए, इसमें आपका एक ही फंक्शन है। तो यहां पर लॉग एक्सिस लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दिस इज द एंड इस डीसी इज नॉट इफेक्टेड, और इसका जो डिफरेंशिएटिंग कोफिशिएंट है ये आपका ना फैक्टर ऑफ इंटीग्रेंट नहीं है। तो देयरफॉर यहां पे आप जो यूज करेंगे ना, वी कैन यूज जो आप यहां पे जो मेथड आप यूज करेंगे वो आपका ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि आईलेट में आपके दो फंक्शन होते हैं अपन आगे बढ़े से। तो ये इसका मतलब टेकिंग लॉग एक्स इज इक्वल टू आपका यू कर दीजिएगा एंड जब आप मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो ये वन को आप वी ले लीजिए। इसका मतलब अब आपका देखो वन इंटू लॉग एक्स ये डी एक्स हो गया। देखिए दिस इज द पहले आप ये करेंगे अपन देखो दिस अब आपका यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा और ये फॉर्मूला लगेगा आपका नाम देखो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ यू बी डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द होल ऑफ डी एक्स, ये आप यूज करेंगे एंड इट इज वेरी मच क्लियर दैट कि आपका यू क्या है और वी आपका क्या है, ये आपका बिल्कुल यहां होगा। तो नाउ अब आपका अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन ये जो इंटीग्रेशन ऑफ अब आपका आप इसको लॉग एक्स इंटू वन ये डी एक्स ऐसे लिखेंगे आपका देखो तो अब ये आपका फर्स्ट लॉग एक्स देखो वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपका नाम देखो दिस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स एंड होल डी एक्स, ये देखिए आपका अब ये हो सर आपका तो लॉग एक्स ऐसे रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या रहेगा एक्स एग्जैक्टली ना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या रहेगा वन अपॉन एक्स और इंटू वन डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स और आपका देखो ए डी एक्स, इससे ये खलास हो गया। तो ना देखो लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स ठीक हो गया सर। तो अब आपका नाम देखो दिस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स और प्लस वन डी एक्स का क्या हुआ एक्स हो गया, ये देखिए आपका दिस द आंसर। इसी में यहीं से कर देते हैं क्योंकि सवाल बहुत है। सॉल्यूशन नंबर टू ये भी आपका देखो ना लॉग एक्स का कंप्लीट स्क्वायर इनटू डीएक्स है, ये देख लीजिए इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे इसको ऐसे यहां पे हम आप क्या करेंगे ना वन इनटू आपका देखो लॉग एक्स स्क्वायर का आपका देखो डीएक्स का दीजिएगा बिल्कुल वही है। नाउ टेकिंग log x square is equal to आपका देखो u और 1 is equal to आपका देखो v, ये आप यूज कर देंगे then using I need here the formula used आपका ये यहाँ पे integration of u v dx is equal to first function integration of second minus integration of d by dx of first function into integration of second function and the whole dx आपका यह
अब आप यहाँ पे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा। देखो ये आपका log, सॉरी log x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx ऑफ नाउ log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड द होल dx स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है आपका? देखिए ना यहाँ पे भी वही था कि जो लॉग एकमिक आपका फंक्शन था और उसका डीसी इंटीग्रेंट का फैक्टर नहीं था, इसीलिए आप इसको ऐसे कर रहे हैं सर आपका। क्लियर? अब आपका देखो ये तो आपका लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये आपका देखो एक्स हो गया इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। आपको पता है जी टू लॉग एक्स तो इसका हो गया सर, बिल्कुल सही बात आपने, बहुत श्योर। और इनटू फिर चेन रूल लगेगी इसमें तो लॉग एक्स बच जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है 1 अपॉन एक्स, वेरी फाइन। और इनटू ये आपका क्या हो गया इस एक्स और आपका लगता है कंप्लीटली डीएक्स। एनी डाउट? तो नाउ इसमें ये आपका आगे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इससे ये भी खलास हो जाएगा। देखिए आपको आपके पास क्या हो गया 2 इधर ले लीजिएगा बाहर आपका ये आपका log x dx होगी। ये तो आपका x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो इंटीग्रेशन है देखो ये log x का देखो ये फिर यहाँ पे log x dx आ गया। तो फिर वही आप इसको ऐसे करने के बाद लास्ट में ये देखो आपका जो इसको फाइनल आपका आंसर आया उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। x log x minus x और आपका देखो ये प्लस यहाँ पे c आ गया, c तो आप कांस्टेंट बात को लगाते हैं। तो देखो ना x log x का इसमें minus 2 x log x minus 2 x और प्लस c, this is the final answer। अब आप देख लीजिएगा इसी सवाल में एक सवाल में दो सवाल आपके बन जा रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपका नाम सॉल्यूशन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ देखो x इनटू log x प्लस 1 आपका देखो dx ये हो गया सर। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन भी है आपका नाम देखो, तो इसमें आप क्या करेंगे अब आपका देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया और ये आपका नाम लॉगरिथम हो गया। आईलेट में एल्जेब्रिक पहले आता है लॉगरिथमिक पहले आता है, लॉगरिथमिक पहले आता है तो ना देखो हियर वी हैव टू फंक्शंस, हमारे पास दो फंक्शन है आपका नाम एक x इज इक्वल टू आपका नाम देखो एल्जेब्रिक फंक्शन है और आपका लॉग आपका देखो ना x प्लस 1 ये आपके पास हमारे पास क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है आपका देखो ना लॉगरिथमिक फंक्शन। अब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आईलेट में पहले आता है इसको u ले लीजिएगा और इसको v ले लीजिएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब आपका यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाइड, फॉर्मूला अप्लाइड में इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx of u into आपका नाम देखो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ v dx and the whole dx। बार बार फॉर्मूला लिखिए every time in every questions wherever in whatever the formula you are using it must be shown on the left hand side आपका नाम when you are getting the free space, क्योंकि जब कोई आपकी कॉपी चेक करेगा उसको पता होना चाहिए कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसके भेजे में भी घुसनी चाहिए तभी वो एग्जाम देगा, मैं आपको नंबर देगा ये याद रखिएगा। तो आप कहेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपका क्या होगा देखो log x plus 1 into integration of x dx minus integration of आपका देखो नाउ दिस इज d by dx of what that is x log आपका x plus 1 into integration of now x dx and the whole dx आपका ये श्योर है सर? अब आपका तो
यहाँ पे log x plus 1, तो ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया, और फॉर्मूला आपका क्या है dy dx, तो no इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx is equal to x की पावर n plus 1 upon n plus 1, यही होता है तो ना तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर by 2 हो जाएगा आपका, माइनस इधर log x plus 1 का क्या हो जाएगा 1 upon आपका, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कॉमन 1 by 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आपको देखो x square over, ना देखो x plus 1 और यहाँ पे देखो dx आ गया, this is the first part, जो आपका first part तो आपका okay हो गया, ना देखो ये second part हमारे पास ये रह गया, अब इसको हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करनी है, अब आपको पहले मैं इसको कर दे रहा हूँ, देखो आपको ये तो हमने a part पूरा कर दिया, अब इसको ले रहा हूँ देखो बात को 1 by 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ देखो x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 और ये dx हो गया, देखिए तो यहां पे लेट z इज इक्वल टू देखो x प्लस 1 हो गया, इज इट क्लियर, तो ना तो dz इज इक्वल टू dx, डिफरेंशिएशन कर दिया इसका d by dx of z into d by dx of x और plus d by dx of 1, 1 का आपका 0 होता है कांस्टेंट, इज इट क्लियर, और यहां पे एक चीज और निकल करके आई थी, देखो आपका x की जो वैल्यू आएगी वो आपका जो z माइनस श्योर है सर, कोई दिक्कत है बताइए, अब आप तो x x की जगह में देखो z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो गया dx की जगह में देखो आपका dz ओवर x प्लस 1 की जगह में dz, ना a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab एंड नॉट प्लस b स्क्वायर, देखो इन न्यूमरेटर न्यूमरेटर यहां a माइनस b का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं, a इज इक्वल टू देखो वेयर a इज इक्वल टू आपका z है और b इज इक्वल टू आपका होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो देखो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 a माइनस b का होल एक्सपेंशन कर दिया ओवर z, इफ यू हैव द प्लस और माइनस साइन in a numerator, either that is a binomial and a trinomial, the positive or negative, whatever is there, so you can have a facilities to separate the numerators. So now, separating numerators with denominator. Integration of z square over z, dz minus 2, integration of z over z, t2z, dz आपका देखो ना प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन z का मतलब आपका z की पावर माइनस 1 dz है, क्योंकि 1 अपॉन x की पावर माइनस n इज इक्वल x की पावर n, एक्सपोनेंट का लॉ आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई शक है तो बताइएगा सर, इंटीग्रेशन एक ये कैंसिल हो गया, तो आपका देखो पहले जो z dz हो गया माइनस 2 ये 1 dz हो गया सर, और आपका ना ये प्लस ये तो ठीक है z की पावर माइनस dz, वेरी सिंपल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ये आपका देखो z स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 1 dz का आपका क्या हो जाएगा 2z आपका, और प्लस z की पावर माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा सर जी पावर बढ़ेगी पावर, तो क्या आ जाएगा आराम से बताइएगा मुझे, और अगर मैं इसको ऐसे नहीं करता, अगर इसको मैं 1 upon z रखता, तब क्या होगा? log z आता नहीं आता? आता? तो फिर क्या? ना, अब देखो, ये रिवर्स, keeping the value, रिवर्स का मतलब जहां पे z था वहां पे z की जगह में आप x plus 1 रख दो, ये कहने का मतलब रिवर्स का मतलब ये कोई रिवर्स गियर नहीं लगाना है आपने, ना तो x plus 1 और प्लस log आपका देखो ना ये mod में है तो log
1 आपका x plus 1 आपका देखो plus c, this is your final answer, please do it, फिर sin inverse का फिर देखते हैं, please.